अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड टाइम। नाज़रीन कैसे हैं आप? आज मैं आपको मायोनीज बनाने का तरीका बताऊंगा। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है, इसी तरह से वहाँ पे बनती है। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि उसको इजाफी केमिकल डालकर उसको ज़रा ज़्यादा गाढ़ा कर लिया जाता है, जो कि नुकसानदेह होता है हमारी सेहत के लिए। तो हम बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से बनाएंगे और खालिस अज़ा के साथ आप इसको बच्चों को खिलाएं, खुद खाएं, आपको जो है वो मज़ेदार भी लगेगी और आपको किसी किस्म का कोई नुकसान भी नहीं देगी। तो ये मायोनीज हमने बनाई है, ये आप देखें, ये देखें, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है, बहुत गाढ़ी है, आराम से ये किसी भी चीज़ के ऊपर लग जाएगी, आपकी टोस्ट वगैरह पर, हर चीज़ पर जो है वो लग जाएगी जब ये ठंडी हो जाएगी। अभी अभी हमने इसको बनाकर रखा है, जब ये मज़ीद ठंडी हो जाएगी फ्रिज में रखने से तो ये और गाढ़ी हो जाएगी। तो आएँ, ये किस तरह से बनानी है मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है मायोनीज बनाने के लिए उनको आप नोट करें। सबसे पहले हमें चाहिए 2 अदद अंडे। आप इसकी सफ़ेदी भी अकेली भी ले सकते हैं और जर्दी के साथ भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। उसके बाद हमें लेमन का जूस चाहिए, 2 लेमन जो हैं वो आप ले लें, उनका जूस निकाल लें और उसके बीज जो हैं वो भी आप निकाल लें। चीनी हमें चाहिए 2 खाने के चम्मच। ऑयल हमने यहाँ पे लिया है, अच्छी क्वालिटी का आप ऑयल लें। आप इसको जैतून के तेल के साथ भी, ऑलिव ऑयल यानी कि जो है उससे भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन अगर आप उससे नहीं बनाना चाहते, ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा वो, तो आप अगर ऑयल लें तो वो अच्छी क्वालिटी का लें, क्योंकि ये आपके बच्चे भी खाएंगे, बुज़ुर्ग भी खाएंगे, आप भी खाएंगे, सेहत के लिए बहुत ये फ़ायदेमंद होगा फिर आपका। अगर आप इसमें नाकस ऑयल जो है वो इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको पता है कि दिल के मरीज़ों के लिए वो नुकसानदेह है। इसको बनाकर दिखाने का हमारा मकसद भी यही है कि आप अच्छी चीज़ जो है वो घर में तैयार कर लें, बाज़ार वाली मेयोनीज़ से बचें। वो बहुत ही लो मटेरियल से और चीप तरीके से बनाई जाती है। हम किसी भी कंपनी को डिग्रेड नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप अंदाज़ा लगाएंगे, ये आप बनाएंगे, आपको पता चलेगा कि ये आपको घर में थोड़ी सी कॉस्टली पड़ेगी, लेकिन उसकी वजह यही है कि अच्छे मटेरियल से बनी हुई चीज़ जो है वो हमेशा कॉस्टली पड़ती है। तो इसके लिए हमने 200 ग्राम जो है वो ऑयल ले लिया है, नमक हम इसमें हसबे टेस्ट डालेंगे और आधा चाय का चम्मच जो है इसमें हम काली मिर्च डालेंगे। आप इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं और काली मिर्च अगर आप ना डालना चाहें तो ये ना डालें, ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं, काली मिर्च और लहसुन, इन दोनों में से आप जो भी डालना चाहें वो फ्लेवर देने के लिए आप एक डाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि जग को आपने लेकर इसको बहुत अच्छे तरीके से खुश करना है, इसमें पानी नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सबसे पहले हम करेंगे कि इसमें अंडा जो है वो डालेंगे। दो अंडे हम इसमें डाल देंगे। लेमन जूस भी डाल देंगे, चीनी, टेस्ट के लिए काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा नमक, ये मिलाकर इसको कवर करके हम इसको चला देंगे। जी नाज़रीन, देखें मायोनीज हमारी तैयार हो चुकी है। ब्लेंडर चलाने से पहले तक हम आपसे बात कर रहे थे, आपको बता रहे थे, लेकिन ब्लेंडर का जो शोर था उस वजह से हम आपसे बात नहीं कर सके। तो उसमें हमने ऑयल जो है बाकी तमाम चीज़ें डाल दी थी। ऑयल जो था वो दो दो तीन तीन मिनट के वक्फे के बाद हम डालते रहे और दो दो चम्मच तकरीबन करके हम जो है वो उस ऑयल को डालते रहे। आपने भी ज़्यादा जल्दी नहीं करनी,
ये 20 मिनट आपकी कम से कम ले जाएगी गाढ़ा होने में। इस हद तक गाढ़ा होने में ये आपका 20 मिनट जो है वो टाइम दरकार होगा। जी तो नाजीन, आज की हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट्स करके हमें बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जो है वो कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो शुरू से आखिर तक देखने का शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।